दूसरी चीज की ये स्टाइल क्या होती है, स्टाइल के भी बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये अभी नॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप होम टैब में आएंगे एमएस वर्ड में, तो आपको यहाँ पर स्टाइल का सेक्शन मिलेगा। ये देखिए नीचे स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट को लिखे रहने देना चाहते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल तो ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पर अगर नो स्पेसिंग, मतलब स्पेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो काफ़ी डेंस दिखाई पड़ेगा। देखिए ये काफ़ी डेंस दिखाई पड़ रहा है, यही स्टाइल होती है, ठीक है। अगर हेडिंग वन के फॉर्मेट में करेंगे तो ये हेडिंग वन के फॉर्मेट में हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। हेडिंग टू करेंगे तो थोड़ा सा उससे छोटा हो जाएगा, और टाइटल करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टाइटल तो बड़ा होना चाहिए और बड़ा होता भी है, ठीक है। इसी तरह से सब टाइटल करेंगे तो थोड़ा उससे छोटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया टाइटल एम्बेडेड, तो ये यहाँ पे करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। तो ये इस स्टाइल में आ जाएगी कि जैसे मालूम पड़ता है कि कोई हेडिंग हो, तो उस तरीके से ये दिखाई पड़ने लगेगी। यहाँ पर दिया हुआ है इंटेंस, तो आप इंटेंस एम्फेसिस भी करा सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो अलग अलग तरीके से ये स्टाइल दी गई है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, इसी को स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ है बुक टाइटल, तो बुक की टाइटल जिस स्टाइल में लिखी जाती है उस तरीके से ये आ जाएगा। ये दिया हुआ है लिस्ट पैरा, तो यहाँ पे लिस्ट पैरा के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप खुद से भी स्टाइल क्रिएट करा सकते हैं, यहाँ पे जाके और स्टाइल क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल को क्रिएट कराने के लिए इस क्रिएट के बटन पे आप क्लिक कर दें, और आपको जो भी स्टाइल ठीक लगती हो, ये यहाँ पे स्टाइल वन आ रहा है, तो आप खुद से स्टाइल क्रिएट कराइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ माई स्टाइल, तो इसको आप अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने माई स्टाइल, तो अगर आप माई स्टाइल देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये अब मेरी खुद की स्टाइल हो जाएगी, तो ये मैंने खुद क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया अलग, एक स्टाइल का हिसाब किताब अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये हो गया कि आप सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर करके वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग, पुराने स्टाइल में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं पुराने स्टाइल में आ गए हैं। और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल दिया हुआ है, तो अगर आप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर वही चीजें यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर यहाँ पे नॉर्मल हटा करके क्या करना चाहते हैं, नो स्पेसिंग, और वही सारी चीजें आएंगी आपको जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी ऊपर हेडर सेक्शन में, यहाँ पर तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से आप साइज वगैरह बदल सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए साइज को मैंने 26 कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि साइज काफी बड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, तो एज अ टेम्पलेट भी इसको यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट, पैराग्राफ और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ से आप नंबरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए नंबरिंग वाला बॉक्स यहाँ से भी खुल जाता है और आप इजिली नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आई होप कि समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।